दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ़ी आप लोगों का अशरफ़ी नगरी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी है और दिखाया भी है कि यहां जो आस्ताना मखदूम अशरफ है उनके जो सज्जादा नसीन थे सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ अशरफुल जीलानी, उनका जो है दुनिया से वो कूच कर गए और उनकी जो है नमाज जनाजा कब पढ़ाई जाएगी और कहाँ पढ़ाई जाएगी ये मैंने बताया था। तो अभी ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी चीज़ें आपको वीडियो के ज़रिए से दिखा सकूँ और आप देख के ज़्यारत भी कर सकें और देख भी दें और दुआ भी करें उनके हक में, ताकि अल्लाह ताला जो है उनको आला से आला मकाम अता फरमाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो में बने रहें। और मैं पूरा जो है जहां से अभी जनाजा ले जाया गया है और जहां पे अभी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और जहां पे ये मिट्टी जो है वो दफन होगी, तो उन सब जगहों की पूरी वीडियो है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में, जहाँ भी आपको शेयर करना है वहाँ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो आस्ताना मखदूम अशरफ की जो भी जानकारियाँ होती हैं वो वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ आगे, आप लोग वीडियो में बने रहें और पूरी तरीके से आप लोग जो है देखें और ज़्यारत करें और उनके हक में दुआ करें। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी जनाजा जो है वो आस्ताना मखदूम अशरफ से आ चुका है और अभी दफन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो आप लोग से मेरी गुजारिश है कि वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह सारी जो है वीडियो आपको इसमें सारी जिस तरीके से जो किया गया है वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो में बने रहें और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो अगर मुझसे कहने सुनने में कोई गलती गुस्ताखी हो गई तो उसे माफ़ फरमाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग से कहा था कि सज्जादा नशीन के हक में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, और जो भाई दरूद शरीफ वगैरह जो है पढ़कर कलमा या दरूद शरीफ पढ़कर जो भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें जो है बहुत शिरकत की है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का जो है शुक्रगुजार हूँ। आगे थोड़ा जगह बनाओ, भाई
उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो अगर मुझसे कहने सुनने में कोई गलती गुस्ताखी हो गई तो उसे माफ़ फरमाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।